है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। तो आज हम देखेंगे, एक पार्ट बनाया था हमने कुछ समय पहले, तो उस पार्ट का जो कनेक्टिंग रॉड थी उसकी टू कैविटी HPDC मोल्ड को हम आज कंप्लीट बनाएंगे। लेकिन मैं इसको कंप्लीट नहीं बना पाऊंगा, इसको मैं इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट कनेक्टिंग रॉड था, ये एल्यूमिनियम का बनता है, तो इस एल्यूमिनियम के कंपोनेंट को मैं एक इक्वल डिस्टेंस पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें सबसे पहले कंपोनेंट में हमको रनर बनाना होगा। ओके, और जहाँ से मटेरियल एंटर होगा वो स्पेसिफिकेशन आपको देखना पड़ेंगे कि जो मशीन के स्पेसिफिकेशन होते हैं उसको ध्यान में रखकर आपको पूरे मोल्ड को डिज़ाइन करना होगा। तो मशीन की स्पेसिफिकेशन ध्यान में रखिए। और उसके साथ एक और चीज़ है, जब भी आप कंपोनेंट को 2 KVT या 3 KVT या 4 KVT बनाते हो तो उससे पहले कंपोनेंट में श्रिंकेज वैल्यू जरूर दे दीजिए। मैंने इसमें श्रिंकेज वैल्यू दी नहीं है क्योंकि मैं इसमें पहले दे चुका हूँ, जो भी एल्यूमिनियम का श्रिंकेज है, जिस भी ग्रेड का श्रिंकेज, जिस भी ग्रेड का जो एल्यूमिनियम है, तो उस हिसाब से मैंने इसका श्रिंकेज दे दिया है। ओके, तो मैं इसको 2 KVT मोल्ड बनाऊंगा और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो एक स्लाइडर, दो स्लाइडर बनाऊंगा, दोनों स्लाइडर अलग अलग जगह से ऑपरेट होंगे। ओके, एक स्लाइडर ऊपर से स्लाइड होगा और एक स्लाइडर मोल्ड के नीचे से ऑपरेट होगा। ओके, तो इस तरह से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट के लिए कंट्रोल टी का आप यूज़ कर सकते हो NX यूनिक ग्राफिक में। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि मोल्ड को 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे में बनाना इतना आसान नहीं है। तो ये HPDC मोल्ड है, एल्यूमिनियम का रहेगा ये, तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। इसको किसी भी तरह से आप रोटेट कर सकते हो। और इसकी मैंने बेसिकली एक जो मेरा सिंगल कंपोनेंट है उसकी मैंने कॉपी बना ली है, और कॉपी बनाने के बाद मैं इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करूंगा और मैं इसके रनर और केविटी जो होती है, जो रनर होता है, रनर और गेट, और इसमें बेसिकली फैन गेट का यूज़ करूंगा मैं। ओके, तो रनर को मैं डिज़ाइन करने का अभी काम करता हूँ। दोनों कंपोनेंट को मैंने ले लिया है। अब जो ऊपर से इसमें जो आपको होल दिख रहे हैं, दो होल दिख रहे हैं जो कि कनेक्टिंग रॉड को टाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए मैं स्लाइडर में पिंस बनाऊंगा। ओके, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूं उसकी लेंथ के साथ। आप इसको एडजस्ट कीजिए, दोनों कंपोनेंट को किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, कि रनर और को आप किस तरह से मूव कर सकते हो। तो मैं इसको एंगल पे नहीं रखूँगा, मैं दोनों कंपोनेंट को एकदम सीधा रखूँगा। ओके, लेकिन दोनों की डायरेक्शन दोनों की अलग अलग रहेगी। ओके, फिर कोर और केविटी को मैं इसके लिए इंसर्ट डिज़ाइन करूँगा, कोर और केविटी के लिए। ओके, और कोर और केविटी में भी कुछ इंसर्ट्स होंगे। ओके, जो कि पिंस वगैरह का काम करेंगे, जो इसमें छोटे छोटे होल हैं, तो उसको मैं इसका जो मिड प्लेन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बेसिक स्केचिंग से मैं इसके रनर सिस्टम को बनाऊंगा, और रनर के साथ साथ इसमें मैं राइजर को भी क्रिएट करूंगा। ओके, तो मैं इसका बेसिकली हाफ पोर्शन बनाऊंगा, और हाफ पोर्शन को, जब हाफ पोर्शन का रनर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसको दूसरी साइड उसको मिरर कर दूंगा। ओके, तो उसकी जो साइज रहेगी वो दोनों साइड सेम रहेगी, जिससे जो मटेरियल का फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ओके, thank you.
जब भी आप स्केच बनाते हो तो आप कोशिश करो कि हर स्केच को एक दूसरे से कंस्ट्रेंट कर दीजिए, क्योंकि कंस्ट्रेंट करने से आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा कि कंस्ट्रेंट करने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी स्केच आप क्रिएट करते हो किसी मोल्ड को बनाते समय, तो आप उसको कंस्ट्रेंट कर दीजिए। ओके, तो इस रनर सिस्टम में मैं इसके गेटिंग सिस्टम में मैं इसका फैन गेट का यूज़ करूँगा, कि पिन पॉइंट गेट वगैरह ये सब HPDC में काम नहीं करते। फैन गेट सबसे ज़्यादा सूटेबल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गेट सिस्टम होता है HPDC मोल्ड में। ओके, से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ और सिंपली मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा और कुछ ड्राफ्ट के साथ एक्सट्रूड करूँगा। अब जहाँ पर भी कंपोनेंट में या रनर सिस्टम जो कि इजेक्शन सिस्टम से जो पार्ट इजेक्ट होगा, अब वहाँ पर कोशिश कीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ ड्राफ्ट दे दीजिए। ओके, क्योंकि ड्राफ्ट अगर होगा तो वो आसानी से कोर और कैविटी से इजेक्ट हो जाएगा। ओके, आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी रिक्वायर्ड ड्राफ्ट है वहाँ पर आप ड्राफ्ट दे दीजिए, क्योंकि अधिकतर ड्राफ्ट और रेडियस। ओके, तो आप कोशिश कीजिए जहाँ पर भी, तो वहाँ पर आप रेडियस भी दे दीजिए। तो हाफ रनर सिस्टम तैयार हो चुका है, तो मैं इसको सिंपली एक्सट्रूड करूंगा। ओके, आपको मटेरियल का कैलकुलेशन करना होगा कि कितना आपके रनर में और कितना कंपोनेंट में मटेरियल, आपका वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा आपको, जो कि आप मेजर बॉडी से चेक कर सकते हो। ओके, तो जितना भी आपका वॉल्यूम आता है उस वॉल्यूम से कम 30% मटेरियल आपको या 25% मटेरियल आपको ज़्यादा लेना होता है। ओके, तो तभी आपकी कैविटी जो आपका इंप्रेशन होता है वो फील हो पाता है। ओके, बाकी जो राइजर होता है, राइजर उस मटेरियल की को पूर्ति कर देता है, उसमें दिक्कत नहीं होती। तो आप इसमें यहाँ पर जहाँ पर भी रिक्वायर्ड रेडियस है आप उसमें रेडियस देने की कोशिश कीजिए कि आप रेडियस दे दीजिए। ओके, तो मैं ड्राफ्ट देने के बाद मैंने एक रिप्लेस फेस दिया है जो कि उस एक सिंगल प्लेन के साथ है, कि जब मैं मिरर करूँगा तो वहाँ पर कोई स्पेस नहीं बचेगी। ओके, तो मैं इसको दूसरी साइड मिरर कर देता हूँ, लेकिन मैं दोनों रनर को आपस में यूनाइट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दूसरे रनर को कंपोनेंट की डायरेक्शन की ही तरह, जिस तरह से उसकी डायरेक्शन है उसी तरह से मुझे रनर को रोटेट करना होगा। ओके, तो पहले मैं जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो मैं रेडियस प्रोवाइड कर देता हूँ रनर को, और उसके बाद मैं ज्योमेट्री पैटर्न का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और मैंने इसमें 10 या 12 डिग्री का या 15 डिग्री का इसमें ड्राफ्ट दिया है। ओके, जिससे ये कोर एयर कैविटी से आसानी से इजेक्ट हो जाएगा, जो कि कंपोनेंट के साथ ही इजेक्ट होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक फैन गेट के लिए एक चैम्फर देता हूँ। ओके, तो फैन गेट 0.5 या 1 mm तक का इसका एरिया होता है, जो थिकनेस होता है फैन गेट का, तो आप वो लगा सकते हो। तो मैंने सिंपल सा एक गेट सिस्टम बनाया है। ओके, और सिंपल सा रनर सिस्टम है। तो आप कोशिश करो कि आप जब भी HPDC मोल्ड डिज़ाइन करते हो तो सिंपल से सिंपल हो। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और आपका टूल महंगा हो जाता है। आप कोशिश कीजिए कि कॉस्टिंग को आप कंट्रोल कर सकें। ओके, तो मैंने इसको ज्योमेट्री मिरर से मिरर कर दिया है। अब मैं रोटेट करूँगा जिस तरह से मैंने कंपोनेंट को रोटेट किया था, तो उसी के जैसे मुझे इसको बिठाना होगा उस कंपोनेंट के ऊपर। ओके, तो ये कंपोनेंट को लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करके आप हाइड कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट बी इनवर्स शो और हाइड के लिए यूज़ होता है। तो ये सब बेसिक्स कमांड है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी NX की स्पीड को बढ़ा देता है। ओके, thank you.
इसको मुझे रोटेट करना है। इस कंपोनेंट के फेस के साथ, सेकंड कंपोनेंट के फेस के साथ मुझे इसका मिलाना होगा। ओके डायरेक्शन में मैंने मूव कर लिया इसको, तो मैं फिर से इसको रोटेट करता हूँ। इस फेस को मैं दूसरे फेस के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। ओके और इस दोनों रनर को मैं एक सिंगल रनर बना देता हूँ। ओके इसके साथ ये रिप्लेस फेस हो गया और दोनों को मैं आपस में यूनाइट कर दूंगा और जहाँ पर भी रेडियस की ज़रूरत है वहाँ पर मैं रेडियस दे दूंगा। ओके तो इन दोनों को आपस में मैं यूनाइट कर देता हूँ। एज ब्लेंड देने से ये फायदा होता है कि जब भी मटेरियल रनर के अंदर फ्लो करता है तो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो करेगा और जो भी एल्यूमिनियम एचपीडीसी डाई कास्टिंग में जो डिफेक्ट आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो बहुत जरूरी है जब भी एचपीडीसी डाई कास्टिंग के लिए आप किसी मोल्ड को बनाते हो, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी रेडियस आप दे सकते हो, जहाँ पर शार्प एजेस रिक्वायर्ड है वहाँ नहीं, लेकिन जहाँ पर भी आप रेडियस दे सकते हो वहाँ पर रेडियस प्रोवाइड कर दीजिए। ओके तो उससे कंपोनेंट की क्वालिटी अच्छी होती है और डिफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होते। कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखने के लिए जरूरी हैं जब भी आप मोल्ड को डिजाइन करते हो। ऑलमोस्ट रनर सिस्टम हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम राइजर को क्रिएट करेंगे कि किस तरह से हम राइजर बनाएंगे इसके अंदर। तो अब राइजर को क्रिएट करते हैं कि मुझे एक पर साइड एक कंपोनेंट के लिए तीन राइजर बनाना है। ओके तो अब राइजर किस काम आता है कि जब भी कंपोनेंट में कोई भी मटेरियल को हम सपोज एल्यूमिनियम को अगर फील कर रहे हैं जो कि प्रोसेस के दौरान, और जब भी इंप्रेशन में वो मटेरियल फील होता है तो अगर उसमें मटेरियल की कमी होती है तो राइजर से वो कमी पूरी हो जाती है। ओके तो राइजर उस मटेरियल को फिर से कंपोनेंट के इंप्रेशन को लौटा देता है जिससे कंपोनेंट में मटेरियल की कमी नहीं होती और मटेरियल आसानी से इंप्रेशन में फील हो जाता है। ओके तो राइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी डायकास्टिंग कंपोनेंट में आपको राइजर मिलेंगे। अगर आपको रनर के साथ अगर कोई कंपोनेंट अगर मिलता है किसी कंपनी में तो आप उसको देख सकते हो किस तरह से उसमें राइजर लगे होते हैं। ओके
ही साइज़ के राइजर, तीनों राइजर एक ही साइज़ के बनाऊंगा और उसको ऊपर से ड्राफ्ट दूंगा और दूसरी साइड से भी मैं उसको इस तरह से क्रिएट करूंगा कि ग्रेविटी के फोर्स के कारण ही वो मटेरियल अंदर पहुंचा सके। ओके राइजर का जो गेट पॉइंट रहता है आप उसको भी 0.5 या 1 mm तक का दे सकते हो। ओके तो जिस तरह से फैन गेट होता है रनर में उसी तरह से इसमें भी मैं उसी तरह का एक डिजाइन बनाऊंगा। ओके इसको मैं एक ड्राफ्ट दे देता हूँ। उसके बाद जहाँ पर भी इसमें रेडियस लगती है वो रेडियस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले और कुछ चीज़ इसमें देख ली जाए। इसको मैं बनाऊंगा इसका गेट जो कि दूसरी साइड से मैं इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करूंगा। ओके और इसको कुछ मुझे इस तरह से डिज़ाइन बनाना पड़ेगा कि ये आसानी से कंपोनेंट के अंदर फील हो सके। ओके जो भी इसमें मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम। ओके इस फेस को राइजर के फेस के साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ। उसके लिए पहले इसको सिंगल साइड ऑप्शन देता हूँ अंदर की तरफ। नहीं मैं उसको सरफेस कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंक्रोनस मॉडलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं कई बार सिंक्रोनस मॉडलिंग का यूज़ कर लेता हूँ जब भी मैं कोई मॉडल बनाता हूँ या फिर टूल को क्रिएट करता हूँ। इसको इस तरह से चैम्फर दे दीजिए कि इसमें एक फैन गेट की तरह एक पोर्शन बन जाए जो कि मटेरियल को अंदर की तरफ कंपोनेंट के इम्प्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। ओके और यहाँ पर रेडियस दे दीजिए क्योंकि ये पोर्शन केविटी से बाहर निकलेगा या कोर से बाहर निकलेगा। ओके तो उसका इजेक्शन आसान होना चाहिए, तो उस तरह से आप इसमें ड्राफ्ट दे सकते हो या फिर रेडियस प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक राइजर मैंने कंप्लीट कर दिया है, एक राइजर बन चुका है। अब इन्हीं राइजर को मैं नीचे पैटर्न करूंगा और इसको ही और उन तीनों को मैं मूव करके दूसरे कंपोनेंट की तरफ लेकर जाऊंगा। ओके सबसे पहले इसको मैं यूनाइट कर देता हूं। ओके और इसको पैटर्न करता हूं 3 और इसकी डिस्टेंस दूंगा 35। ओके okay.
मिरर कर देता हूँ और इसको इनको मैं रोटेट करूँगा। ओके, जितना भी डिग्री तो मैं इनको एक एंगल में रोटेट कर देता हूँ, जितना कि कंपोनेंट की जो एज है उतना ही एंगल मुझे लेना पड़ेगा। तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप इसे अंदाजे से भी कर सकते हैं। बस उस एज के साथ उस राइजर को फिट होना चाहिए। ओके, तो मैंने सेंटर पॉइंट गलत पिक किया है, सेंटर पॉइंट मुझे कंपोनेंट का लेना होगा। ओके, इसको मैंने लीनियर मूव कर दिया है। ओके, तो ये दोनों कंपोनेंट के तीन तीन राइसर हमने क्रिएट कर दिए हैं और उसके बाद एक रनर भी सिस्टम बना दिया है और फैन गेट का हमने यूज किया है। ओके, जो कि सब रनर में कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर भी मैं रेडियस दे देता हूँ और कोशिश कीजिए कि आप सभी को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, या तो आप रनर सिस्टम को भी कंपोनेंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, एड यूनाइट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर सभी को रेडियस प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको एक कलर स्पेसिफाई कर दीजिए। ओके, जो कि रनर का और राइजर का कलर होगा। अब उसके बाद रनर सिस्टम बन चुका है और राइजर बन चुका है, उसके बाद हम इंसर्ट को क्रिएट करेंगे कि इंसर्ट किस तरह से बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इसका मिड प्लेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर से एक रेक्टेंगल बनाना होगा, तो मिड प्लेन को सिलेक्ट करके मैं स्केच करता हूँ और सेंटर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और उसका मैं कुछ साइज रखूँगा। बेसिकली मैं 400 बाय 400 का अगर मोल्ड लेता हूँ तो उसके हिसाब से मुझे इंसर्ट का साइज कम रखना होगा। ओके, तो अब जो मोल्ड का जो साइज होता है वो आपको पता है मशीन के स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब के मतलब आप अगर 400 बाय 400 का मोल्ड बना रहे हो तो इंसर्ट का साइज आपको इतना लेना होगा कि आपके गाइड प्लेयर और गाइड पुश भी आसानी से आ जाए उसमें। ओके, छोटे छोटे स्केच जो आप होते हैं, जो कि आप प्लेट वगैरह के लिए जो स्केच क्रिएट करते हैं, तो एक दो तो स्केच भी अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको कंस्टेंट कर दीजिए। तो कंस्टेंट करने की आदत तो आप डाल ही लीजिए, क्योंकि कंस्टेंट करना स्केच को बहुत जरूरी है जब भी आप मोल्ड डिजाइन या फिर पार्ट डिजाइनिंग करते हो। ओके, तो मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ और एक्सट्रूड करने के बाद वही सिंपल से एक प्रोसेस है जो कि मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा और कीप टूल को मैं ऑन रखूँगा जब भी सब्सट्रैक्ट करूँगा, तो वही काम मैं करूँगा इसमें। उसके बाद अभी ये कोर बन गया है और उसके बाद फिर मैं कैविटी क्रिएट करता हूँ।
जब भी आप कोई प्लेट बनाते हो या फिर कोई भी कंपोनेंट बनाते हो तो उसका कलर स्पेसिफाई कर दीजिए ताकि अंतर पता चल जाए कि कौन सी प्लेट कौन सी है और कौन सा कंपोनेंट क्या है। ओके, और कोशिश कीजिए कि उसको लेयर में भी डाल दीजिए। तो मैं अभी सभी को लेयर में डालना स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बेस मोल्ड एक क्रिएट कर लूँ। बेस मोल्ड बनाने के बाद इंजेक्शन सिस्टम में बनाऊँगा और सबसे लास्ट में हम कूलिंग सिस्टम को बनाएंगे। ओके, उससे पहले मुझे इसके इंसर्ट्स बनाने होंगे। इंसर्ट्स के बाद फिर जो इंसर्ट्स जो लगते हैं जिसको मशीनिंग करना आसान नहीं है तो वो इंसर्ट में बनाऊंगा जो कि छोटे छोटे रहते हैं। तो दोनों के कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं, जो कि एक कोर इंसर्ट है और एक कैविटी इंसर्ट है। तो जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको वो है कोर इंसर्ट और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है कैविटी इंसर्ट। ओके, तो मैं सिंपली इसको अभी सब्सट्रैक्ट करूंगा इसके अंदर से। यहाँ पर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ और की टूल को मैं ऑन रखूँगा। पहले कंपोनेंट को, राइजर को और रनर को, फिर उसके बाद सेकंड कंपोनेंट और सेकंड राइजर्स। और यही चीज मैं कोर इंसर्ट के साथ भी यही चीज करूंगा, उसमें से सबको सब्सट्रैक्ट करूंगा और कीप टूल को मैं ऑन रखूंगा जब भी मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो सबसे पहले इसको मैं एक लेयर में डाल देता हूँ कि जो लेयर में जिस लेयर का मुझे काम नहीं है, तो मैं 55 नाम की लेयर बनाता हूँ और उसमें जो भी जिस चीज़ का मुझे काम नहीं है मैं उसको उसमें डाल दूंगा। जिस स्केच का मुझे काम नहीं है मैं उसमें उसको उसमें डाल दूंगा। ओके, तो ये मुझे बार बार बीच में नहीं आएगा जब भी मैं कोई चीज़ क्रिएट करता हूँ। उसके बाद कंपोनेंट नाम की आप एक लेयर बना सकते हो कोर कैविटी नाम की, और फिर उसके बाद सभी प्लेट के नाम की एक एक लेयर बना सकते हो और उसको आप लेयर में डाल दीजिए ताकि आप वहाँ से उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं एक लेयर बना देता हूँ जिसको जो कि कंपोनेंट और रनर और राइजर को साथ में रखेगी। ओके, तो मैं इसका नाम देता हूँ टू। ओके, और मैं इसको हाइड कर देता हूँ और मुझे सिर्फ अभी जरूरत है कोर इंसर्ट और कैविटी इंसर्ट की, तो मैं सिर्फ इसी को रखता हूँ। अब उसके बाद मैं इसमें इंसर्ट क्रिएट करता हूँ। इंसर्ट के लिए मैंने स्प्लिट बॉडी का इस्तेमाल करा है और स्प्लिट बॉडी में मैंने एक्सट्रूड का इस्तेमाल करा है और उसकी जो एज है उस एज से मैंने जो भी कैविटी का या कैविटी का पोर्शन है मैंने उसको बीच में से ब्रेक करा है, स्प्लिट करा है। ओके, और उसी में से मैं इंसर्ट बनाऊंगा, मैं कोई अलग से कोई चीज़ क्रिएट नहीं करूंगा। तो मैंने इसमें को इस तरह से मैंने उसी कर्व से मैंने उसको स्प्लिट करा है। ओके, तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मैंने ब्रिज कमांड का यूज़ करा है और दोनों एज को पकड़ के एक ब्रिज बनाया दोनों के बीच में। ओके, और सभी इंसर्ट के लिए मैंने यही चीज़ करी है। ओके, तो इस तरह से ये मैंने ब्रिज बना लिया है। ओके, तो इस ब्रिज से मैं कर्व से उस जो भी मैंने स्प्लिट करा था उस पोर्शन को मैं स्प्लिट कर दूंगा और बाकी को मैं हाइड कर दूंगा। ओके,
आपस में यूनाइट कर देता हूँ, इसको आपस में मैंने यूनाइट करा है, वो मैंने पहले से कर दिया है, इसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने उसको आपको हिस्ट्री में बताया कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है। ओके, अब वो वही चीज़ मैं दूसरी साइड पर करूँगा जो मैंने यहाँ पर बनाया है। और जो मैंने इंसर्ट क्रिएट कर दिए हैं जो स्लाइडर के लिए, जो कि स्लाइडर में लगे रहेंगे, उसको मैं यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, जो कि कोर इंसर्ट की प्लेट है उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर भी वो इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा जो हमको चाहिए। ओके ओके, ये बन गया। अब उस तरह से इंसर्ट भी मैं स्प्लिट कमांड का इस्तेमाल करके ही बनाऊंगा। तो एक साइड के मैं बना चुका हूँ, अब केवीटी इंसर्ट के मैं इंसर्ट बनाता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से इंसर्ट है, आप इसको वायर फ्रेम में देख सकते हो। तो मैं केवीटी का इंसर्ट क्रिएट करता हूँ, तो ये जो पोर्शन है इसके लिए इंसर्ट बनेगा। तो मैं एक्सट्रूड में एज को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो उसने एक डायरेक्शन ली है, उस डायरेक्शन से वो उतने पार्ट को कट कर देगा और उसी को मैं इंसर्ट में क्रिएट कर दूंगा। ओके, तो एज को सिलेक्ट करके मैं इसमें एक कॉलर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि कॉलर केविटी और कोर प्लेट में फिक्स हो जाएगी पीछे से और ये मूव नहीं करेगी। ओके, इसीलिए मैं इसमें कॉलर क्रिएट कर देता हूँ। आप चाहते हो तो आप इसमें बोल्टिंग के लिए, आप M10 या M12 की बोल्टिंग के लिए आप टैपिंग कर सकते हो, या फिर क्रिएट बना सकते हो, तो आप इसमें बोल्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं कॉलर प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग में ईजी होता है। ओके, और जो भी हमने क्रिएट करा है तो कॉलर बनाई है, तो उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा केवीटी प्लेट में से, और इसको इसके लिए मैं कलर भी स्पेसिफाई कर दूंगा। मैंने मिनिमम 3 mm की कॉलर दी है। इसके लिए कलर स्पेसिफाई कर दिया हमने। ओके, तो जितने भी इंसर्ट थे और जितने साइड कोर के लिए जो पोर्शन थे वो पिंस बन चुकी हैं। स्लाइडर मैंने अभी नहीं बनाया, लेकिन अभी हम क्रिएट करेंगे, शायद स्लाइडर हम अगले लेक्चर में क्रिएट करें। लेकिन इसका बेस मोल्ड पहले मुझे बनाना चाहिए, पूरा बेस मोल्ड अगर मैं बना लेता हूँ कम्प्लीट, तो एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से मैं इसके इजेक्शन सिस्टम को बनाऊंगा और किस तरह से मैं इसमें कूलिंग दूंगा। तो उसके लिए पहले पूरा बेस मोल्ड मुझे क्रिएट करना होगा। स्केच नहीं बना रहा हूँ उनके लिए, उन्हें का इस्तेमाल करके मैं कोर और केविटी प्लेट क्रिएट कर रहा हूँ। प्लेट होगी वही टॉप प्लेट
तो टॉप प्लेट और केविटी प्लेट दोनों का काम करेगी वो। तो इसमें एक सिंगल प्लेट लगेगी, अब मैं गाइड प्लेयर और गाइड बुश बना देता हूँ। ओके, उसके बाद फिर हम एक स्पेशल ब्लॉक क्रिएट करेंगे, स्पेशल ब्लॉक और एक बॉटम प्लेट होगी। तो मैं सबसे पहले गाइड प्लेयर और गाइड बुश के लिए सर्कल बनाता हूँ। तो मैं गाइड प्लेयर तो जो लूँगा उसका जो डाया होगा वो 40 mm का लूँगा, क्योंकि कम से कम 400x400 का अगर आप मोल्ड अगर आप क्रिएट करते हो तो उसमें कम से कम 400 के डाया का गाइड प्लेयर और गाइड बुश होता है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड कहीं से भी देख सकते हो, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। सभी तरफ से मैं इसको कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। ओके, और इसको डायमेंशन दे देता हूँ, जो भी डायमेंशन मुझे इसमें चाहिए गाइड प्लेयर और गाइड बुश के लिए। सिंपली मैं उसका एक्सट्रूड करूँगा और उसमें से प्लेट में से मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा। सब्सट्रैक्ट करूँगा तो कीप टूल ऑन करके ही मैं करूँगा ताकि मेरा गाइड प्लेयर और गाइड बुश भी एग्जिस्ट रहे वहाँ पर। ओके, उसको चारों को एक्सट्रूड कर देता हूँ। की जो भी लेंथ आप बनाते हो और लेंथ कोर और केविटी का जो इम्प्रेशन है उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो कंपोनेंट का इम्प्रेशन हो उसकी लेंथ से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। और जो स्लाइडर होता है वो स्लाइडर के हिसाब से भी तो हम इसको बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको अंदाजे से बनाता हूँ। जब हम स्लाइडर में एंगल केम को जब बनाएंगे तो एंगल केम की जो पोजिशन रहेगी उसके हिसाब से हम इसकी लेंथ को सेट करेंगे। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने मोल्ड को इस तरह से बनाइए कि आप उसमें बाद में चेंजेस कर सको, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है किसी कंपोनेंट को लेकर तो वो भी उस कंपोनेंट में कई चेंजेस कराता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से क्रिएट करो, इस तरह से हिस्ट्री को क्रिएट करो कि आप उसमें आसानी से चेंजेस कर सको, तो ज़्यादा बदलाव ना आए। इसमें मैं चैम्बर देता हूँ और चैम्बर देने के बाद गाइड प्लेयर में रेडियस दे देता हूँ। इसका कलर भी आप स्पेसिफाई कर दीजिए गाइड प्लेयर और गाइड बुश का, और प्लेट्स का भी कलर स्पेसिफाई कर दो। ओके, और इसकी मैं कॉलर क्रिएट करता हूँ, मैं इसकी कॉलर बना देता हूँ।
इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, कीप टूल को ऑन रखो। अब इसमें एक गाइड बुश भी बनाना होगा मुझे, लेकिन पहले मैं मोल्ड का पूरा जो बेस है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके कर दूंगा मेरा ज्योमेट्री। और मैंने इसको वायर फ्रेम में, हमारे जो अभी जितना मोल्ड बन गया उसको वायर फ्रेम में लिया है ताकि गाइड प्लेयर गाइड पुश की पोजीशन मुझे पता चल जाए कि मुझे स्पेशल ब्लॉक कहाँ तक क्रिएट करना है, कहाँ तक बनाना है, ताकि गाइड प्लेयर जो गाइड पुश होगा वो उसमें से आसानी से एंटर करे, क्योंकि उसको स्पेस मिलनी चाहिए ताकि वो गाइड प्लेयर आसानी से मूव कर सके, गाइड पुश के अंदर मूव कर सके। ओके तो मैं इसमें चाहूँ तो डॉवेल भी दे सकता हूँ स्पेशल ब्लॉक में, तो मैं स्पेशल ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ। ओके तो इस दोनों स्पेशल ब्लॉक के बीच में जो इजेक्शन ग्रिड होगी, इजेक्शन ग्रिड वो मूव करेगी, इजेक्शन जो कि इजेक्शन प्लेट और इजेक्शन बैक प्लेट को मिलकर बनेगी। ओके तो उसी में हमारी इजेक्टर पिंस लगी होगी, तो सबसे पहले स्पेशल ब्लॉक बनाते हैं। मुझे 10 mm की डिस्टेंस चाहिए, तो उस स्पेस को मैं तो ध्यान में रखकर स्पेशल ब्लॉक की लेंथ लेनी होगी। ओके और इजेक्शन से प्लेट इतनी मूव करना चाहिए कि वो कंपोनेंट को आसानी से इजेक्ट कर दे, तो वो भी कंपोनेंट की लेंथ जितना उसका थिकनेस है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा मुझे स्पेशल ब्लॉक को की साइज लेते वक्त। ओके तो मैं लास्ट में बॉटम प्लेट बनाता हूँ। जब भी आप इजेक्शन सिस्टम बनाते हो या फिर कूलिंग सिस्टम बनाने से पहले आप पूरे मोल्ड बेस को क्रिएट कर लीजिए। मोल्ड बेस बना लोगे तो मोल्ड बेस अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको इजेक्शन सिस्टम बनाना है और किस तरह से आपको जो उसमें दूसरे फेजनिंग एलिमेंट वगैरह जो होते हैं, जो M2N या फिर M12 की आप बोल्टिंग करते हो, तो वो आप किस तरह से करोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके तो बेस मोल्ड क्रिएट करना बहुत जरूरी है पहले, तो मैं बेस मोल्ड पूरा क्रिएट कर देता हूँ। HPDC मोल्ड का फर्स्ट पार्ट, अब मैं सेकंड पार्ट में आपको मिलता हूँ जिसमें मैं आपको इजेक्शन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और बाकी की जो भी इसकी चीज़ें बची हैं और बोल्टिंग वगैरह। ओके तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए।